जलियां वाला बाग ये देखो यही चली थी गोलियां, ये मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की होलियां, एक तरफ बंदूक के दंदन एक तरफ की टोलियां, मरने वाले बोल रहे थे इंकलाब की बोलियां। यहाँ लगा दी बहनों ने भी बाजी अपनी जान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती। तो एक हिस्टोरिकल प्लेस है, वन ऑफ द बेस्ट हिस्टोरिकल प्लेस है, यहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड का नाम आपने जरूर सुना होगा। ये आज हम अमृतसर में हम वहीं पर उस गार्डन में हैं, और जो कि काफ़ी सारे हम दोस्त के साथ आए हुए हैं। आप लोगों को मैं अपना अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि जलियांवाला बाग जो है जनरल डायर द्वारा घेर लिया गया था चारों ओर से, और 13 अप्रैल को एक केस होता है, एक हत्याकांड टाइप का हो जाता है जिसमें कम से कम 300 से 400 लोग मर जाते हैं, और चारों ओर से गार्डन को घेर दिया जाता है। तो यहाँ पर काफ़ी एक मतलब आने से ये पता चलता है देशभक्ति की भावना अपने अंदर आती है, अंदर से उभर के आती है, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक हम कह सकते हैं कि अच्छी फीलिंग आ रही है यहाँ पे हम लोग को। आप लोग को मैं बताना चाहूँगा, ये देख सकते हो, ये आप पीछे एक वेल देख सकते हो, इस कुएं का एक अपना ही इतिहास है। ये कुएं अब चारों तरफ चारों ओर से बंद है, इस कुएं में कोई जा नहीं सकता है क्योंकि ये चारों ओर से कवर्ड कर दिया गया है। इस कवर्ड कर पाने के कारण इस कुएं में सिक्योरिटी भी बढ़ाई गई है, लोग पहले इसमें कूद गए थे इसमें, और अब इसको इस हद तक बंद कर दिया गया है कि इसके अंदर कोई झांक तक नहीं सकता है। तो आप लोग को मैं एक बार थोड़ा वन बाय वन एक्सप्लोर करवाता हूँ जलियांवाला बाग हत्याकांड में। ये हमारे फ्रेंड है, अब इसको मैं इनसे थोड़ा मिलवाना चाहूँ। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये मतलब हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। जैसा कि आपको पता है कि जलियांवाला बाग में कितने लोगों ने अपना जान कुर्बान किया था, तो आज हमने देखा यहाँ पर आके तो हम लोग को बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। मैं आपको ना एक बार आपको एक काम करता हूँ, मैं आपको थोड़ा गार्डन की ओर एक्सप्लोर करवाता हूँ, काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा यहाँ पर आके। आपने जरूर कभी ना कभी हिस्ट्री जरूर देखा होगा या पढ़ा जरूर होगा, तो उसमें आप लोग को पता होगा। आपको यहाँ पे एक्सप्लोर करवाता हूँ वन बाय वन। हमने कल की वीडियो में हमने देखा कि हम लोगों ने अमृतसर का जायजा लिया, गोल्डन टेम्पल, और उससे ही नज़दीक करीबन 500 मीटर पे ये आपका एक पार्क पड़ता है जलियांवाला बाग। आपको वन बाय वन हम धीरे धीरे दिखाते हैं। तो ये चलिए, हमारे साथ अभी अमन कुमार है, अमन कुमार गुप्ता नाम है इनका, ये पूरा ट्रिप पे है, हम हमारे साथ ही है, और आज कल की हमारी टिकट है कल मॉर्निंग की, और कल इवनिंग में हम लोग दिल्ली में डिपार्चर करेंगे, सॉरी दिल्ली में अराइवल कर जाएंगे। तो आज हमारे पास मतलब पूरा दिन है पूरा घूमने के लिए, ठीक है। धीरे धीरे आप देखते जाइए आपको कैसा लग रहा है। और हमारे कुछ दोस्त है वो पीछे ही छूट गया है, शायद वो छूट ही जाएंगे, पीछे लग रहा है वो अपना अलग घूम रहे हैं और हम लोग अपना अपना अलग घूम रहे हैं। तो देखिए आपको ज़रूर अच्छा लगेगा, यहाँ पे शांति है, पार्क है, यहाँ पे आप लोग बैठ भी सकते हो और इजिली अपना इंजॉयमेंट कर सकते हो। तो देखते रहिए, जैसा भी आप लोग को लगता है आप लोग अपना अपना कमेंट्स दीजिए कि कैसा आप लोग को लग रहा है। इनका भी एक चैनल है, इनका चैनल का लिंक हम दे देंगे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप लोग चेकआउट कीजिएगा और वहाँ पे जाकर देखिए आपको कैसा लग रहा है। चलो देखते हैं, आगे वीडियो में मिलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। जलियांवाला बाग ये देखो यहीं चली थी गोलियां, ये मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की होलियां, एक तरफ बंदूक के दंदन एक तरफ की टोलियां, मरने वाले बोल रहे थे इंकलाब की होलियां। यहाँ लगा दी बहनों ने भी बाजी अपनी जान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। Thousands of Indians were listening to their leader Hansa when he came out of the bar, created a crisis with some of them. Hansa just showed them that since it was a peaceful, non-violent gathering, there was nothing to fear. दोस्तों आप लोग देख सकते हो ये दीवार पे जो पीछे आपको ये कुछ एरो टाइप में आपको जो गोलियों के निशान दिख रहे होंगे, ये
अचानक यहाँ पे गोलियां चलाई गई थी उस 13 अप्रैल की बात है। तो आपको कुछ देखना, आप देख सकते हो यहाँ पे गोलियों के निशान है। आप देख पूरा आपको शायद पीछे वाले कैमरे से मैं दिखाऊंगा एक बार, पूरा क्लियरिफाई आपको दिख नहीं रहा होगा। एक तरफ बंदूक के दंदन, एक तरफ की टोलियां, मरने वाले बोल रहे थे इंकलाब की बोलियां। यहां लगा दी बहनों ने भी बाजी अपनी जान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। जलियांवाला बाग ये देखो यहीं चली थी गोलियां, ये मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की होलियां। एक तरफ बंदूक के दंदन, एक तरफ की टोलियां, मरने वाले बोल रहे थे इनकलाब की बोलियां। यहाँ लगा दी बहनों ने भी बाजी अपनी जान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की।